मित्रों नमस्कार। कुछ लोग आ जाएं तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप सब लोगों को अपडेट मिलती रहे, टाइम टू टाइम डिस्कशन होती रहे। तो श्यामल भाई आ गए हैं, तरुण गोस्वामी जी, राजेश कुमार जी, जयदीप सिंह जी, चौहान जी, नीलू चालना जी, अनुराग शाक्या। अनुराग जी, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? मोहन भाई आ गए हैं, अमर देसाई, ललित भंडारी जी, आनंद भवसार जी। अनुराग जी, क्या मुझे मेरी आवाज आ पा रही है? राजेश जी, आवाज आ पा रही है क्या मेरी? राजेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट। नीलू जी नमस्कार। राजेश जी, आज का मैंने जो सेशन रखा है इंटरेक्ट करने के लिए आप सब लोगों के साथ में, मैं दो तीन चीज की अपडेट्स देना चाहूंगा आपको। पिछले काफी टाइम से हम सब मासूमियत की तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में जी रहे हैं। डे बाय डे कुछ ना कुछ अजीब घटना घटती है जिसकी वजह से इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज, इतना अच्छा सिस्टम और इतना ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम जो आज इंडिया में उतना अच्छा नहीं डेवलप कर पा रहा जितना होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आप सब लोगों को कि देखो, कभी भी क्या होता है कि जो चीज ज्यादा परेशान करती है उतना ही ज्यादा वो हमको इंजॉय कराती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिजनेस के अंदर आप देखेंगे कि जहां पे तकलीफ होती है फायदा वहीं होता है। हाँ, ये फैक्ट बात है, दो चीज है कि गवर्नमेंट ने काफी टाइम ले लिया है। इस इंडस्ट्रीज में दो चीज हो सकती हैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडिया में आज तक मैंने जहां भी देखा है, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सब जगह हर कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को कुछ ना किसी रूप के ऊपर लीगल स्टेटस उसको दिया है। और जहां तक मुझे मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि इंडिया में भी, क्योंकि मैं प्रीपेड कैश कार्ड इंडस्ट्रीज में काफी टाइम से हूँ, और अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा कि जो डन कार्ड था हमारा, वो इंडिया का फर्स्ट प्रीपेड कैश कार्ड था जिसने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि प्रीपेड कैश कार्ड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी, ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब जैसे आप देखना चाहेंगे कि एक जो ट्रांजेक्शन होती हैं, कि अगर प्रीपेड कैश कार्ड वॉलेट इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, वॉलेट इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लीगल है इंडिया के अंदर, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस देती है। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। और जब ब्लॉकचेन के ऊपर वो काम करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क कर रहा है, और जो वॉलेट है आरबीआई उसके लाइसेंस देती है। फर्क इतना ही है कि क्रिप्टो करेंसी को या टोकन्स को हम किस तरीके से नाम दे। जैसे आप देखा होगा, सैडोक्सो टोकन चलता है, जो सैडोक्सो होता है उसका एक टोकन चलता है, वो टोकन मार्केट के अंदर यूज इंडस्ट्रीज के लिए। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये जो टोकन है, अगर इसको ब्लॉकचेन के ऊपर गवर्नमेंट को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज समस्या क्या है, गवर्नमेंट भी करेंसी, पैरेलल करेंसी नहीं बना सकती है या पैरेलल करेंसी को नहीं वो कर सकता है। बट अगर इसको हम एक टोकन के रूप में लेके चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी भी तरीके से तकलीफ आने वाली है। कोई भी तरीके से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इसके बारे में अच्छा करेगी। तो मेरा मानना यह है कि आने वाला जो समय है, कोई भी, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया है, जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम टोकन इशू कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेगा। अब बात आती है कि हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, कि वो क्या कहते हैं और गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन बना के लेके आती है और किस तरीके से बना के आती है। गवर्नमेंट उसको बैन करती है या उसको लीगल स्टेटस देती है, अगर लीगल स्टेटस देती है तो किस तरीके से देती है। तो ये सारी सारी चीज के लिए, तो जहां तक मेरा मानना है कि हम लोग बहुत अच्छी पोजिशन पे आएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपका, क्योंकि जैसा आज का मेरा एजेंडा था एएमए,
आस्क मी एनीथिंग, तो आप कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं बिना हिचक के, और किसी भी तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके जवाब दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। बलिहार जी खाल साहब ये कह रहे हैं कि सीएमसी के ऊपर ऑल कॉइन कब लिस्ट होंगे। मैं सबसे सबसे पहले तो बलिहार जी मैं आपको बता दूं, सब लोगों को मैं बता देता हूं कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं। जैसे कि आज से करीब अक्टूबर 2017 में मैं पूरा एक एटीसी का एक मॉडल मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने वर्क किया था, किस तरीके से हम काम कर रहे थे, कि एटीसी जो है हम लोग इंडिया में लॉन्च किए, उसको हमारी यूके कंपनी ने उसको पार्टनरशिप दिया यहाँ पे कि आप इसको सेल कीजिएगा। हमने उसको सेल किया। सेल करने के बाद जैसे आप जानते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ इसने ली, बहुत अच्छा ये आगे बढ़ा। बढ़ने के साथ में हमने जब हमारे कॉइन सेल हो गए तो हमने इसको सेल करना बंद हुआ। बंद करने के बाद में कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की बॉम्बे में कि इस तरीके से एटीसी कॉइन चल रहा है। उन्होंने पूरी इंक्वायरी की, अभी भी इंक्वायरी चल रही है। तो जितने भी हमारे अकाउंट वगैरह थे वो सारे सारे फ्रीज होके पड़े हैं, और भी काफी ऐसी एक्टिविटीज थी। लेकिन तब से लेके आज तक मैं इस कंपनी को रन कर रहा हूँ, सिस्टम को रन कर रहा हूँ, और पूरा सिस्टम इसमें चला रहा हूँ। तो सो आई थिंक जितने भी हमारे कॉइन्स हैं वो लिस्ट होने के लिए सीएमसी के ऊपर या एक्सचेंजों के ऊपर, सिर्फ हमको फाइनेंशियली थोड़ी तकलीफ आ रही है जिसकी वजह से हम लोग लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वो फाइनेंशियली हमारा फंड रिलीज होगा तो जो भी हम कमिट कर चुके हैं आपसे कि हम कितने एक्सचेंज में लिस्ट कराएंगे, कहाँ कहाँ उसको लिस्ट कराएंगे, वो 100% वो सारी सारी सर्विसेज लाइव हो जाएंगी। तो जो भी डिले हो रहा है बलियारी जी वो उसी कारण से हो रहा है कि जो भी हमारे फंड हैं ऑफिशियली जो फंड है वो सारे सारे हमारे ब्लॉक पर हैं। जितने भी कॉइन है हम कोशिश करेंगे फास्ट उसको लिस्ट करा सके। तरुण भाई नमस्कार, कैसे तरुण भाई? आनंद भावसा जी नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आज, क्योंकि आज का एजेंडा हमने एएमए रखा है, आज आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकें, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें, किसी भी टॉपिक पे पूछें, तो मैं आपका सबका जवाब उसको दूंगा। तो आज का जो हमने रखा है वो एएमए रखा है, आस्क मी एनीथिंग। तो सो आई थिंक मैं वही क्वेश्चन लूंगा आप सब लोगों के लिए। बलिहार सिंह जी खालसा जी कह रहे हैं कब तक एयर ड्रॉप एंड बाकी कॉइन न्यू एक्सचेंज और सीएमसी पर लिस्ट होंगे? बलिहार जी मैंने जैसे पहले भी बताया था, सिर्फ तकलीफ जो है वो राइट नाउ फाइनेंशियली क्राइसिस है। ऑफिस चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए मेरे पास सफिशियंट फंड है, मैं साल 2 साल तक उसको रन कर सकता हूँ, उसमें उसमें तकलीफ नहीं है। बट जो नए नए डेवलपमेंट के लिए जो फंड की जरूरत पड़ती है, हमने प्रायोरिटी बनाई है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने ऑफिसों को, अपने सिस्टम को स्मूथ रन करने का रखा है। जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो इसलिए होल्ड पे जा रहा है कि जैसे कि जैसे फंड रिलीज होंगे तो वो हम डेवलपमेंट का पार्ट भी करेंगे। जाकिर भाई कैसे हैं? जाकिर हुसैन जी, आजाद भाई हेलो, हाउ आर यू? अनुराग जी हेलो, वी वांट न्यू। अनुराग साकिया जी कह रहे हैं, बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग जी कि हमें नए नए एक्सचेंज के ऊपर आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि पारो एक्सचेंज जो है वो हमारा खुद का है, और उसके ऊपर हमने मार्जिन टू पी जीडीएस उस सब का प्लानिंग चल रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जैसे बताया कि कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से हम उतना फास्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितना डेवलप होना चाहिए। लेकिन जैसे मार्जिन ट्रेडिंग का है, हमने काफी मेहनत करके उसको भी आज या आज शाम तक या कल तक लाइव हो जाएगा, उस पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के हिसाब से। तो उसका जरूर 100% उसको कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। मिलन फोर जी कह रहे हैं कि एटीसी और अरिस्टो का रेट कब और कैसे बढ़ेगा? मिलन जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि एटीसी का, मैं आज उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं ट्रेडिंग के बारे में, बट मैं कुछ ट्रेडिंग का बताऊंगा आपको कि किस तरीके से होता है। कोई भी किसी भी चीज का, कोई कॉइन हो या कोई शेयर हो या कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसके अच्छे फंडामेंटल्स चल रहे हैं, उसकी नई नई प्लानिंग चल रही है, नई नई एक्सचेंजों में लिस्ट हो रहा है, तो रेट बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है तो चांसेस होते हैं रेट बढ़ने के। तो होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा है, डिमांड है, सर्विसेज उससे यूज हो रही है, वो सारी सारी चीज है, तो उसके रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं।
और ये रेट, ये जो रेट बढ़ना घटना ये कम्युनिटी के हाथ में होता है, कम्युनिटी ही उसको अप एंड डाउन करती है या कम्युनिटी ही उसको सपोर्ट करती है। तो सो आई थिंक जैसे मैंने बताया था कि काफी चीज ऐसी आएंगी जिससे एटीसी को फायदा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आज इंडिया के अंदर सिर्फ एटीसी, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एक्सचेंज है यहाँ से मूव हो रहे हैं इंडिया से, और कुछ मूव हो चुके हैं, कुछ मूव होने वाले हैं, बट इंडिया की कम्युनिटी जैसे मैंने बताया था तकरीबन 17 से 18% वर्ल्ड वाइड जितना भी ट्रेडिंग होती है वो इंडियंस लोग करते हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है उसको शायद सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है, तो कुछ ना कुछ अच्छी उसमें वो आएंगे। तो शायद सो आई थिंक इसका जवाब आपको मिल गया होगा। जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं, सर मार्केट में रूमर है रेट गिराने के पीछे आपका मास्टर प्लान है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जाकिर भाई, रियल फैक्ट बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा झूठ है। अगर इसको मुझे गिराना ही होता तो कोई भी चीज से, मतलब डे वन से, जैसे आपने देखा होगा कि डे वन से मैं इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो ये जो भी कह रहा है गिराने में मेरा हाथ है ये गलत है। तो शायद जो भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है, तो मैं इसको अपनी तरफ से वो करता हूँ, कटाक्ष करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं और सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज को। आपने देखा होगा मैं 24 घंटे लाइव रहता हूँ, लोगों के क्वेश्चन आंसर का जवाब देता हूँ, और जितना हो सके इस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता हूँ, तो इसमें कोई मेरा ऐसा हाथ नहीं है। मिलन जी कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट बैंक अकाउंट? मिलन भाई, ये अभी तक हमारे बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुए हैं, ये सच्चाई है। और अगर किसी को सबूत चाहिए तो आप जिन जिन लोगों ने बैंक में ट्रांजेक्शन किए हैं, एक्सिस बैंक या दूसरे बैंकों में जहां जहां आपने पैसा जमा किया है, उस बैंक में जाके पूछ सकते हैं अकाउंट नंबर सबके पास में कि इस अकाउंट का स्टेटस क्या है। अभी तक वो अकाउंट बंद पड़े हुए हैं। मोहन भाई, 100% मुलाकात करेंगे। मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा और मैसेज दूंगा तो डिस्कस करते हैं, या आप अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको कॉल करके प्लानिंग करते हैं मिलने का। बलिहारी जी क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी एक्चुअल में आज काफी टाइम, जो आपके हर एक आदमी का मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा वो किसी भी पार्ट में हो, क्योंकि जब मैंने कहा है कि आस्क मी एनीथिंग तो आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी मैं आप लोगों का बुरा या आप लोग सब लोगों का हर चीज का जवाब दूंगा। न्यू एक्सचेंज पे अरिस्टो कब तक नहीं आ पाया, क्यों? मैंने आपको बलियार जी शायद पिछले उसमें आपको जवाब मिल गया होगा कि सारी मैंने डिटेल दे दी कि जो भी फाइनेंशियली हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसके हिसाब से चलते हैं, तो शायद उसी कारण से नहीं आ पा रहा है। अमन गोयल जी कह रहे हैं कि क्रिप्टो इनबॉक्स में मेरी आईडी बंद हो गई है क्या? किसी की भी कोई भी आईडी बंद नहीं है अमन जी, सबकी आईडी खुली हुई है, और बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे ही अब 18 महीने सबके पूरे हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एक सर्विस दे, ऐड कर दें, आप एक ही अकाउंट में जितने भी आपके अकाउंट है सबको एक में मर्ज कर सकते हैं, सारे कॉइन एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और एक साथ ही विड्रॉल आप मार सकते हैं, उसमें हम ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर आप कम्युनिटी की हेल्प लें, सकता है फाइनेंशियल के लिए। राजेश जी, मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि हम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट ओपन होने में टाइम लगता है तो हमको दूसरा रास्ता निकाल के और इस कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाए, और शायद हम एक दो दिन में मिलेंगे आपसे और प्लानिंग करेंगे कैसे कर सकते हैं। आनंद भावसा जी कह रहे हैं बढ़िया है सर आपके भरोसे। भावसार जी, फैक्ट बात तो ये है, मुझे इस कम्युनिटी से बहुत प्यार है और इस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता भी हूँ, और जो मैंने सारा सारा देखा है, ये तो फैक्ट बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस लगे रहते हैं, लेकिन जब आदमी काम करता है तो प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, बट ये है कि होप आगे अच्छा होगा। पटेल भावसार जी कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पे डाउनलाइन ने जो कॉइन बाई किए हैं उस कस्टमर का क्या होगा? जिन लोगों ने, आप उस चीज को निकाल सकते हैं। भावेश भाई, मान लो फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल नंबर पर कस्टमर है, आप ही का मोबाइल नंबर दिया है, तो आप उसमें टिकट क्रिएट करो, उसका कुछ हम रास्ता निकालेंगे,
क्योंकि कम्युनिटी के साथ में है, आप लोग साथ में है, कोई भी आप हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके टिकट क्रिएट करो, अनिकेत भाई बॉम्बे ऑफिस में, वो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सचिन सैनी जी कह रहे हैं कि मेरे माई मनी के पैसे वापस कीजिए, अभी तक क्यों सुभाष जी नहीं हुए हैं। सचिन भाई मुझे पूरी डिटेल आप भेज दीजिएगा, कहाँ पे हैं आपके पैसे, किस तरीके से हैं, और शायद कुलजीत भाई बॉम्बे ऑफिस में देख रहे हैं, जो भी आपका माई मनी सेवा का शायद अकाउंट की बात कर रहे हैं आप, तो कुलजीत भाई से बात कर लीजिए, वो आपका सॉल्यूशन निकाल देंगे। एस के शर्मा जी नमस्कार, शर्मा जी क्या हाल है। सचिन भाई मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है, और आप मैं कुलजीत भाई से आप बातचीत कर लीजिए बॉम्बे ऑफिस में, वो आपका सॉल्यूशन निकाल देंगे। एस के शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं शर्मा जी, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, बात ही नहीं हो पा रही है, टेलीफोन में बात करते हैं। बलिहारी जी खालसा जी कह रहे हैं एक कॉइन को चलता नहीं पर इतने सारे कॉइन चले गए। बहुत बढ़िया बात कही बलिहारी जी। मैं एक चीज आपको, बहुत मेरी इंटेंशन क्या थी इतने सारे टोकन्स आपको देने की, और इतने सारे जैसे फॉर एग्जांपल एटीसी अरिस्टो हमने सेल किया आप लोगों को, उसके बाद में जो कॉइन हमने एयर ड्रॉप के रूप में दिए हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे आपके जो लॉसेस हुए हैं उसको कवर करने का, और लॉसेस के साथ साथ में ये देखने को मिला है कि जो भी हमने नए कॉइन दिए हैं ये हमारे लाखों कस्टमर थे और लाखों कस्टमर हैं, वो लाखों कस्टमर एक साथ ही अपने अपने वॉलेट में उसको लेके जाते हैं, तो कॉइन मार्केट कैप में या दूसरे एक्सचेंजों में लिस्ट करना बहुत इजी होता है। अगर कोई कॉइन को हम सेल करते हैं तो उसमें काफी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि किस रेट पे सेल किया, कितना पैसा कलेक्ट किया, कैसे हैं, और जो हमने फ्री में दिए हैं, और जब हम ये कहते हैं कि ये हमारा फ्री में कॉइन दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, शायद वो आज ना मालूम पड़े कुछ दिन के बाद में, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था जैसे मेरे अकाउंट ओपन होंगे, क्योंकि जो मैंने कमिटमेंट आपसे किए हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, मार्केटिंग के, उन सब चीज के लिए, तो वो फंड हमारा यहाँ पे काम आएगा, यूज होगा, और उसके बाद में हम आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी कॉइन आपको एयर ड्रॉप के रूप में मिले हैं उसको ऐसा ना समझे कि इसका रेट कम है तो इसको भी सेल आउट कर देते हैं, ये आने वाले समय में ये आपको काफी अच्छा बेनिफिट देगा, और वो इसलिए देगा कि जब इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे हम लोग तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी। जाकिर भाई कह रहे हैं कि सर वो चीज कब तक आएगी, ये सारी बातें हम 2 साल से सुन रहे हैं। जाकिर भाई बिल्कुल 100% सही बात है, कम्युनिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। जैसे आप जानते हैं मार्केट के अंदर सबसे चीज बड़ी चीज होती है कि मार्केट के अंदर स्टेबल होना। आपने देखा होगा कि इतना सारा समस्या होने के बाद में कम्युनिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मेरी भी कोई लिमिटेशन है। लिमिटेशन किस तरह की है कि आपने देखा होगा कि ऑफिस चलाने के लिए 20-25 लाख रुपए का हर महीने ऑफिस चलाना, होस्टिंग का पैसा देना, स्टाफ की सैलरी देना, ये सारे सारे के लिए पैसा लगता है, और वो पैसा जो हमने प्लानिंग करके रखा हुआ है या जो रखा हुआ था वो धीरे 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 1.5-2 साल हो गया आज हमको, जब से बैंक अकाउंट बन के रखे हैं तो वो हम पैसे को सर्विस में लगा रहे हैं, और अब जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट, मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ऑफिस को अच्छी तरीके से स्मूथ रन करना, सेकंड मुझे डेवलपमेंट में वर्किंग करना, तो ये सारी सारी चीजें टाइम लगता है, बट हाँ ये फैक्ट बात है कि आप ये कह रहे हैं कि 2 साल से सुन रहे हैं, एक्चुअल में फैक्ट बात तो यही है कि ऑफिस स्मूथ चलाना और जो बाकी पैसा बचता है या जो बाकी बजट बचता है उसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट पर लगाते हैं, इसलिए सारी चीज डिले हो रही है। एस के शर्मा जी कह रहे हैं कि सर कुछ भी करो बस एटीसी का रेट बढ़ना चाहिए। शर्मा जी मैं आपको बता दूं, मैं खुद काफी वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि पारो एक्सचेंज के अंदर एटीसी से हमने फीस लेना शुरू किया, और वहां पर जो भी छोटी मोटी ट्रेडिंग हो रही है आज कम हो रही है कल ज्यादा भी होगी, तो धीरे धीरे एटीसी का बर्निंग होगा, तो बर्निंग होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे हमने कुछ वर्कआउट किए हैं कि हम एक ऐसा रिवार्ड टोकन बना रहे हैं
जिससे एटीसी से आप टोकन में कन्वर्ट करेंगे और जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे अभी हम धीरे धीरे कुछ लैंड का प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं उनको लैंड दें। मीन्स हम बर्निंग कैसे हो एटीसी का, एटीसी का रेट कैसे बढ़ेगा जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी बर्निंग बढ़ेगी। तो इसलिए काफी हमारे पास में प्रपोजल्स हैं, थिंकिंग है कि कैसे इसका रेट बढ़े, बट जल्दी उसका हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। शर्मा जी आप सही कह रहे हैं कि मार्केट में अगर अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रेट बढ़ेगा, उस पर असर पड़ेगा। मिस्टर ओराथी करण जी कह रहे हैं कि सर रिवार्ड का मोबाइल और लैपटॉप नहीं मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिला है, बाकी सबको मिल गया है। उसमें एक कारण था, कुछ लोगों ने हमसे वॉलेट ले लिए थे जिसका पैसा नहीं आ पाया, और शायद उन्हीं की डाउनलाइन में समस्या है। फिर भी आप अपने अपलाइन से एक बार बात कर लीजिएगा, अथवा हमारे कॉल सेंटर में अपना आईडी वगैरह लिखाएं, तो मैं कोशिश करूंगा इसका सॉर्ट आउट आपका मैटर कर सकूं। बलियारी जी आपने कहा कि सर आप इतने न्यू कॉइन क्यों लेके आए जब ओल्ड कॉइन नहीं चल रहा है। सो आई थिंक बलियारी जी, इससे पहले मैंने जवाब दिया था इस चीज का, तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। कुछ नया प्लान डालिए। शर्मा जी 100% बहुत जल्दी हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटीसी का रेट भी बढ़ेगा और एटीसी की डिमांड भी बढ़ेगी। अंकुर सिवाल जी कह रहे हैं कि मेरे 25,000 नहीं मिले अभी तक, ऐसा क्यों? अंकुर जी मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे आपका 25,000 है, कैसे है, क्योंकि मुझे तो मेरी लाइबिलिटीज कुछ है नहीं अभी मार्केट में जिसको मुझे पे करना है। बट आप एक काम कीजिएगा, अगर ऐसा है तो मुझे प्राइवेट मैसेज भेज दीजिए किस चीज का है, तो मैं तुरंत आपका सॉर्ट आउट करूं उस मैटर को। गोरख सुधार जी कैसे हैं गोरख भाई, बहुत दिन हो गए हैं। एस के शर्मा जी कह रहे हैं सर आप काम करो, हम आपके साथ हैं। शर्मा जी यही तो एक एक्चुअल में पूरी कम्युनिटी का चीज है कि पूरी कम्युनिटी आज पूरी सपोर्ट कर रही है, और उसी इस कम्युनिटी की वजह से आज मैं खड़ा हूँ। और नो डाउट मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम करूंगा और कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लेके आऊंगा जिससे एटीसी की डिमांड बढ़े, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज काफी स्मूथ हो। बट थोड़ा सा वेट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह की है उसी हिसाब से वर्कआउट करेंगे। अनुराग साक्य जी कह रहे हैं कि सीआई क्रिप्टो इनबॉक्स का फुल विड्रॉल क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उसके अलावा और कॉइन का क्या होगा? अनुराग जी मैंने पहले वैसे आपको बता दिया था कि डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें डाले हुए कि कितना कॉइन हम दें, और बहुत जल्दी, जैसे क्योंकि एक बार अगर ऐसा होगा कि बहुत हैवी प्रेशर आ गया उसके रेट पे फर्क पड़ जाता है, तो प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उस तरीके से हमने उसको डाला हुआ, बहुत जल्दी हम फुल रिलीज कर देंगे। दीपक मोहन बलानी जी कह रहे हैं कि एटीसी में इतना पैसा डाला है कि उतना कॉमोडिटी में डाला हो, बीएससी एनएससी में डालते तो प्रॉफिट कुछ और होता है। दीपक भाई ऐसा होता है कि हर आदमी के नसीब में प्रॉफिट नहीं होता है। अगर एक आदमी को प्रॉफिट होगा तो एक को लॉस होगा, किसी को प्रॉफिट होगा किसी को लॉस होगा, यही इसका वो है। बट अगर 100% लोगों को प्रॉफिट होगा, और मैं शेयर बाजार में भी आपने देखा होगा वहां पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है, एक लूजर होता है तो एक गेनर होता है, लूजर और गेनर साथ साथ चलते हैं, तो ही वो चीज ट्रेडिंग हो पाती है और तो ही उस चीज के ऊपर अच्छा वर्कआउट हो पाता है। प्रवीण नारा जी कह रहे हैं कि ट्रेड संतोषी पर मेरा अकाउंट ब्लॉक है, 4-5 बार केवाईसी किया है। ये फैक्ट बात है, काफी लोगों की प्रवीण भाई कंप्लेंट आ रही है कि ट्रेड संतोषी वाले अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, केवाईसी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो सो आई थिंक आप सब लोग उनको मेल लिखें कि ये केवाईसी फास्ट करें, और एज ए टोकन होल्डर मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करें। एटीसी से रिचार्ज या परचेजिंग का काम तो चालू करवा दीजिएगा। दीपक भाई जैसे आपने बताया था कि हमने बताया था लास्ट बार कि इंडिया गवर्नमेंट ने INR और क्रिप्टो को बैन किया हुआ है, जब तक वो INR और क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन हो रहा था ऑफिशियली तब तक हम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। जब से इन्होंने बंद किया है तो वो सर्विस हमने बंद कर दी है, और जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, जैसे हम होप कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो हम दोबारा चालू करेंगे इस चीज को।
जाकिर भाई कह रहे हैं सर, टेलीग्राम ग्रुप से यूजर को क्यों ब्लॉक या रिमूव किया जाता है? मार्केट में हर तरह के सवाल जवाब आपको फेस करने होंगे, या उससे बच्चा तो नहीं जा सकता? जाकिर भाई, बहुत अच्छी बात बता दूं आपको, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जवाब मिलता है, फिर भी दिन भर उसी टॉपिक को वो टाइपिंग करते चले जाते हैं। और उनका उद्देश्य मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि मार्केट को नेगेटिव बनाने का। मैंने एक चीज देखी है जो मुझे महसूस होता है, मैं काफी टाइम से इसको, मैं उतना ट्रेडिंग का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ या ना ही मैं दूसरी तरीके से एक्सपर्ट हूँ, बट थोड़ा इमोशनल जरूर हूँ मैं खुद। मेरा जो पारो एक्सचेंज का टेलीग्राम चैनल जो है, ग्रुप जो है, उसको हैंडल करता हूँ मैं, हर आदमी का वहां पे पढ़ता हूँ। कुछ लोग आइडेंटिटी छुपा छुपा के, अगर किसी को तकलीफ है तो वो आइडेंटिटी ना छुपाए, कोई नाम कुछ रखता है, कोई नाम कुछ रखता है, जिनका ओरिजिनल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये पारो एक्सचेंज का ग्रुप है, जिनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है और उनके मोबाइल नंबर हमारे पास में है, अगर उनको समस्या होती है तो मैं खुद उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जिनकी समस्या नहीं है, आइडेंटिटी छुपाते हैं, ऐसे लोगों को ब्लॉक और रिमूव करना हमें पड़ेगा पड़ेगा। आइडेंटिटी आप अपनी बताएं, अपने मोबाइल नंबर है आपका, जो भी आइडेंटिटी है, अब आप छुपा छुपा के ऐसे नाम की आइडेंटिटी लोग लेके आते हैं जिससे मतलब मालूम नहीं पड़ पाता है क्या है क्या नहीं है। तो सो आई थिंक, मैं क्षमा चाहूंगा इस टॉपिक के लिए, कि अगर सच्चे इंसान है या जेनुइन पर्सन है, सही आइडेंटिटी के साथ मेरे साथ में आए, बातचीत करें, उनकी समस्या को मैं सॉर्ट आउट करूंगा। अगर दूसरे लोग अगर गलत आइडेंटिटी के साथ में आते हैं, गलत नाम के साथ में आते हैं, तो मैं उनको रिमूव करूंगा, क्योंकि ऐसा ब्लैक मैं नहीं देख सकता हूँ कि वो सीधा सीधा और 3-4 हजार लोग जो कम्युनिटी के लोग हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, और ऐसे लोग डिस्टर्ब हो या वो परेशान हो, क्योंकि एक आदमी एक ही बात का जवाब देता रहता है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो शायद क्षमा चाहूंगा इस चीज के ऊपर, कि गलत अगर कहीं किसी की भी आइडेंटिटी वो सही है और वो बात कुछ कहना चाह रहा है तो मुझसे कहे उस बात को, मैं उसको सुनूंगा, सारी समस्या का समाधान निकालूंगा। अगर मेरी कैपेसिटी में वो है, अगर वो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, तो वो मेरे लिए भी कुछ नहीं मैं कर पाता हूँ, और उसी चीज को रिपीट रिपीट करते रहेंगे तो वो भी गलत है। शायद मेरी आपको मेरी बात का जवाब मिल गया होगा।